तुम्हारा ये ड्रॉप ईयर था, तो ड्रॉप ईयर में तुमने मतलब तैयारी कैसे की, WBGA की तैयारी कैसे की? और इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें देना चाहूंगा कि तुमने सिर्फ WBGA की तैयारी की या फिर JEE मेंस का भी तैयारी किया था? मैंने ड्रॉ करने का तैयारी शुरू किया था ये सोच के कि मुझे जेई एडवांस निकालना है, और मैंने पूरा साल बस यही प्रिपरेशन किया। बट फिर मैंने जेई मेंस दिया तो मेरे नंबर थोड़े कम रह गए थे, सो उससे मुझे लगा कि पहले अच्छा कॉलेज स्क्वायर कर लूँ फिर IIT की तैयारी करूँगा। इसलिए मैंने फिर 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते WBJ की प्रिपरेशन की थी। जब हम लोग ड्रॉप लेते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं कि पहले पहले शुरुआत में तो लगता है कि मैं बहुत सारा कर लूंगा, मैं तो ये श्योर क्रैक कर लूंगा, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जो हमारा मतलब वो जो हाई टाइम रहता है ना वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, सेल्फ डाउट्स आता है, तो उन सबसे तुमने कैसे डील किया? हाँ सर, ऐसा होता है। लाइक ड्रॉप ईयर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बड़े बड़े बुक्स खरीद लिए थे, लेक्चर्स ले लिए थे, लेकिन फिर अगस्त नवंबर का टाइम ऐसा टाइम आ गया था कि सिलेबस खत्म करना ही बहुत बड़ी बात हो गई थी। बोर्ड्स के साथ भी जेई WBJ का तैयारी किया था? मैंने लास्ट ईयर सिर्फ जेई मेन्स का तैयारी किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जेई मेन्स। पिछले साल तुम्हारा 5000 रैंक आया था और उससे अभी तुमने जंप किया है 208। হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লেটস ইমপ্রুভ ইউটিউব চ্যানেল। আমি তোমাদের সায়ন স্যার, আজকে আমার সঙ্গে রয়েছে অভয় সিং। অভয় কিন্তু 2024 সালের WBJ এক্সামে 208 র্যাঙ্ক করেছে, তো 8 র্যাঙ্ক, এবং ওর যে টোটাল মার্কস সেটা হচ্ছে 115। এবার অভয় কিভাবে 2024 সালে WBJ পরীক্ষায় 208 র্যাঙ্ক করলো সেটা নিয়ে কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমরা ইন ডিটেল ডিসকাস করব। অ্যান্ড তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই WBJ পরীক্ষার জন্য ড্রপ নিতে চলেছো, অভয়ও কিন্তু 1 বছর ড্রপ নিয়েছিল, তাহলে ড্রপ ইয়ারে ও কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছে, কিভাবে সেই সমস্ত কিছু ওভারকাম করেছে সেগুলো কিন্তু আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা জানবো। তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকের এই সেশনটি স্টার্ট করি। তোমরা পুরো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ অবধি দেখো, এন্ড এখানে আমরা যেই বিষয়গুলো ডিসকাস করছি সেখান থেকে বিভিন্ন লার্নিংস নেওয়ার চেষ্টা করো। হাই অভয়, ওয়েলকাম টু লেটস ইমপ্রুভ, আজকে এই সেশন মে আনে কে লিয়ে থ্যাংক ইউ। তো অভয়, তুমনে তো ইস সাল WBJ মে বহুত হি আচ্ছা এক র্যাঙ্ক লায়া, 208 র্যাঙ্ক। তো পহলে কি হাম লোগ এই সেশন স্টার্ট করে তুম শুরুয়াত মেই আপনা ইন্ট্রোডাকশন দে দো। हेलो सर, मेरा नाम अभय सिंह है। मैंने इस साल WBJ में 208 रैंक स्कोर किया है, जिसमें मेरा मार्क्स था 150, एंड ये मेरा ड्रॉप ईयर था और मैं जनरल स्टूडेंट हूँ। ओके, बहुत बढ़िया अभय, तुमने 208 रैंक लाया है और तुम्हारा जो मार्क्स है वो है 115, जो कि बहुत ही सही मार्क्स है। तो अभी अभय, तुमने जैसे कि बताया कि तुम्हारा ये ड्रॉप ईयर था, तो ड्रॉप ईयर में तुमने मतलब तैयारी कैसे की, WBJ की तैयारी कैसे की? और इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें देना चाहूंगा कि तुमने सिर्फ WBJ की तैयारी की या फिर JEE मेंस का भी तैयारी किया था? मैंने ड्रॉ करने का तैयारी शुरू किया था ये सोच के कि मुझे जेई एडवांस निकालना है, और मैंने पूरा साल बस यही प्रिपरेशन किया। बट फिर मैंने जेई मेंस दिया तो मेरे नंबर थोड़े कम रह गए थे, सो उससे मुझे लगा कि पहले अच्छा कॉलेज स्क्वायर कर लूँ फिर IIT की तैयारी करूँगा। इसलिए मैंने फिर 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते WBJ की प्रिपरेशन की थी, और फिर मेरा इतना आया। ओके, तुमने बताया कि तुमने सिर्फ 2 हफ्ते WBJ की प्रिपरेशन की थी, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा JEE मेंस का मार्क्स कुछ कम रह गया था। तो फिर तुम कौन से वाले सेशन के बारे में बात कर रहे हो, अप्रैल सेशन का बात कर रहे हो क्या? जैन सेशन में भी मेरा काफी कम रह गया था और अप्रैल सेशन में भी मेरा 28% ही बना था, तो फिर मुझे लगा 1 महीने जे एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा, कुछ खास अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं वहां से, तो इससे अच्छा मैं WBJ पे ही ट्राई कर लेता हूँ, और यहाँ से मुझे अच्छा मिल गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी जो तुम्हारा रैंक है उसमें तो लास्ट ईयर के हिसाब से देखे तो फिर तुम्हें जादवपुर में CAC भी मिल जाएगा, जो कि जो भी लोग WBJ देते हैं उनका सबका टारगेट वही रहता है कि जादवपुर में CAC चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ कि तुमने JEE का प्रिपरेशन किया था, तुम्हारा मेन टारगेट था JEE एडवांस, अभी JEE मेन एंड एडवांस से अगर हम लोग कंपेयर करें तो फिर WBJ का जो मतलब पैटर्न रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि JEE मेंस में तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज रहता है, यहाँ पे मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कम रहता है। तो फिर इन 2 वीक्स में तुमने मतलब WBJ के पैटर्न के हिसाब से कैसे तैयारी की? सर, मेरा जब 2 वीक था तो मैंने फर्स्ट वीक थोड़ा मतलब पूरा सिलेबस एक बार थोरली रिवाइज कर लिया था, और सेकेंड वीक जो था उसमें मैंने बस सिर्फ पेपर्स दिए थे, मतलब क्वेश्चन पेपर्स पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, और मन भी नहीं करता था तो सिर्फ मैं बैठ के ही सिर्फ क्वेश्चन देखता रहता था प्रीवियस ईयर के। लाइक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे सिर्फ इसके, तो
अच्छा पैटर्न समझ आ गया था मुझे कि जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, कम क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे WBJ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली टाइम। AE में हमें टाइम ज्यादा मिल जाता है कंपेयर। तो अभी यहाँ पे एक बात बताओ, तुमने ड्रॉप ईयर में तैयारी की है, मान रहा हो कि तुमने JEE एडवांस के लिए तैयारी कर रहे थे तुम, लेकिन हम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जब हम लोग ड्रॉप लेते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। कि पहले पहले शुरुआत में तो लगता है कि मैं बहुत सारा कर लूंगा, मैं तो ये श्योर क्रैक कर लूंगा, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जो हमारा मतलब वो जो हाई टाइम रहता है ना, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, सेल्फ डाउट्स आता है। तो उन सब से तुमने कैसे डील किया एंड तुम्हारा ड्रॉप ईयर में तुम कैसे मोटिवेटेड रहे? हाँ सर, ऐसा होता है लाइक ड्रॉप ईयर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बड़े बड़े बुक्स खरीद लिए थे, लेक्चर्स ले लिए थे, लेकिन फिर अगस्त नवंबर का टाइम ऐसा टाइम आ गया था कि सिलेबस खत्म करना ही बहुत बड़ी बात हो गई थी। बट फिर मैंने उस टाइम टारगेट बना लिया था कि अभी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करता हूँ, सिलेबस एक बार थोड़ी कर लेता हूँ, फिर सेकेंड अटैम्प्ट आएगा, फिर WBJ आएगा, तो प्रैक्टिस का बहुत टाइम मिलेगा और मोटिवेशन गिरता है। तो उस टाइम बस पेशेंट रहना पड़ेगा, ये नहीं सोचना है कि मेरे फ्रेंड का ज़्यादा आ रहा है नंबर, मेरा कम आ रहा है, बस उस टाइम सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देंगे तो हो जाएगा टाइम, क्योंकि मिलता है बाद में प्रैक्टिस के लिए। ओके, तुमने यहाँ पे एक बात उठाया कि दोस्त का बात, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोगों को ऐसा होता है कि जब हम लोग ड्रॉप ले रहे होते हैं, हमारे कुछ दोस्त अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते होते हैं, वो लोग अपना वीडियो वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस में डाल दिया, इंस्टाग्राम में डाल दिया, तो वो सब जब हम देखते हैं तब ना हमारा सेल्फ डाउट और भी ज्यादा हो जाता है कि मेरा नहीं हो पाया, इस साल होगा कि नहीं, लग रहा है क्वेश्चंस नहीं बन पाया। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो उन सब से तुमने कैसे डील किया? जो एक होता है ना, हाँ सर, मेन प्रॉब्लम यही है कि सबके यहाँ फेस्ट चल रहे होते हैं तो सब अपने वीडियोस डालते हैं और हमें लगता है कि हमने मेहनत ज़्यादा की थी ड्रॉप ईयर के भी पहले, फिर भी हम लोग खराब जगह पे, वो लोग अच्छे जगह पे हैं। तो यही सोचना है कि इससे भी अच्छा जगह हमें मिलेगा ये ड्रॉप ईयर अगर हमने अच्छे से निकाल लिया तो, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो ब्लॉक ही कर देता हूँ सबको। अच्छा, तो स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो ब्लॉक कर दो। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तुमने जो बताया कि नहीं, एक मोटिवेशन रहता है कि अच्छा कुछ मिलेगा, और तुम्हारे लिए तो वो सही है, अच्छा कुछ मिल गया, ठीक है, बहुत सारे दोस्तों से अच्छा कुछ मिल चुका है। अभी काउंसिलिंग तो नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि काउंसिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छा रैंक तो ले आते हैं, लेकिन काउंसिलिंग के वक्त वो लोग चॉइस वगैरह ठीक से नहीं फिल कर पाते, इसलिए क्या होता है कि उनको जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। तो फिर तुम काउंसलिंग के वक्त ये ध्यान रखना, ठीक है? ओके, अभी एक बात बताओ, जब तुम पढ़ रहे थे ड्रॉप ईयर में, तो तुम्हारा सिलेबस तो 11th एंड 12th में पहले एक बार हो रखा था, तो अभी ड्रॉप ईयर में जब तुम पढ़ रहे थे, तुमको रिविजन भी करना होता रहेगा कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना मुझे रिविजन करना है, तो फिर तुम रिविजन कैसे करते थे? मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ता था तो मेरा टारगेट रहता था कि अभी मैं जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ वो कंटेंट हायर लेवल होना चाहिए जो कंटेंट मैंने 11th 12th में कंज्यूम किया था, तो उसको एक मतलब बिगर सबसेट लेके पढ़ता था। और मैं लाइक वीक के एंड में मेनली संडे को मैं पूरा सब्जेक्ट का छोड़ी बस रीड कर लेता था जो मैंने नोट्स में लिखा है, या फिर कोई अच्छा क्वेश्चन जो है मैंने स्टाफ मार्क किया है तो उसको फिर से एक बार देख लेता था। रिविजन करने से हो जाता है, क्वेश्चन में पेपर में बाहर से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, सब इंग्लिश मीडियम से थे, राइट? यस सर। तो तुमने बोर्ड्स जब दिया था तब क्या बोर्ड्स के साथ भी JEE WBJ का तैयारी किया था? मैंने लास्ट ईयर सिर्फ JEE मेंस का तैयारी किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था JEE मेंस का, तो मेरा बहुत खराब हो गया था, 94 रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने सर बोर्ड्स नहीं निकाला ना तो मैं ड्रॉप ईयर में भी नहीं कर पाऊंगा कुछ, कि टॉप 20% चाहिए होता है। तो फिर मैंने बोर्ड्स का तैयारी किया क्योंकि मेरे पास बायो भी थी। ओके, तो फिर मैंने एक महीना पूरा बोर्ड्स का पढ़ा और फिर मैं बोर्ड्स निकाल दिया। फिर मैंने उस टाइम भी WBJ का भर दिया था लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब ड्रॉप लेना है, तो मैंने फिर भी WBJ दे दिया था, तो मेरा 5000 रैंक आया था पिछले साल। पिछले साल तुम्हारा 5000 रैंक आया था और उससे अभी तुमने जंप किया है 208। बहुत ही बढ़िया जंप है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अच्छा, अभी एक और बात बताओ मुझे, ठीक है, कि जब तुम ड्रॉप ईयर में तैयारी कर रहे थे तब तुमने बता दिया कि मोटिवेशन कैसे संभालना है, क्या करना है, लेकिन अभी जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होने को आया, ठीक है,
तब हमारा रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कि अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में जाके हमको तो थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला, हमको अल्टीमेटली क्वेश्चन उतारना है। तो फिर तुम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते थे? पहले मैं शॉर्ट नोट्स होते हैं या फिर आपके लॉन्ग नोट्स होते हैं उसको मैंने पहले आधा घंटा पढ़ लेता था, और थ्योरी और क्वेश्चन के लिए मैंने कोई हाईफाई बुक्स नहीं लगाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम एक्चुअली काफ़ी कम था। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही लगाए थे, बहुत सारे लगा दिए थे प्रीवियस ईयर के, और मतलब WBJEE में तो मैं बहुत दूर तक चला गया था प्रीवियस ईयर में, और PDF और जो नोट्स के क्वेश्चन थे जो टीचर्स हमें कराते हैं उसे बहुत बार कर लिया था क्योंकि वो स्टैंडर्ड होते हैं, उसी से सारे क्वेश्चन बने होते हैं, तो उन्हें कई बार कर लिया था कि याद हो गया था, आंसर तक याद हो गया था मुझे। और फिर PIPQ भी बहुत कर लिए थे, लेकिन पहले रिवीजन करने के बाद, वरना बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन करने में। WBJEE का PIPQ कितने साल तक किया? अब मैंने सब्जेक्ट वाइज तो वेरी करता है, कोई 2010 तक भी किया हूँ, कोई 20 तक ही किया हूँ, और कोई तो बहुत पहले तक चला गया था। 10-20 साल तक कर लिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 साल तक रुक जाते हैं, तुमने 10 साल तक कर लिया, बहुत बढ़िया। आई होप যে আজকের এই পডকাস্টে আমরা যে বিষয়গুলো ডিসকাস করছি সেগুলো তোমাদের ভালো লাগছে এন্ড এখানে তোমরা বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারছো। আমাদের পডকাস্টের বাকি অংশটিতে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই, যে তোমরা যারা যারা 2025 সালে WBJEE এক্সাম দেবে তাদের জন্য কিন্তু আমরা লেটস ইমপ্রুভ থেকে নিয়ে এসেছি দা অ্যাচিভার্স ব্যাচ। এই ব্যাচের মধ্যে তোমাদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স তিনটে সাবজেক্টেরই WBJEE কমপ্লিট প্রিপারেশন করানো হবে। এই ব্যাচের ক্লাসেস স্টার্ট হচ্ছে জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে, এবং আমরা জানুয়ারি মাসের মধ্যে তোমাদের পুরো সিলেবাস কমপ্লিট করিয়ে দেবো। এছাড়াও এই ব্যাচের মধ্যে থাকবে রেগুলার DPP, মক টেস্ট, আরও বিভিন্ন কিছু সুবিধা। প্রত্যেকটা ক্লাস লাইভ ক্লাস হবে, এবং কেউ যদি কোনো কারণে লাইভ ক্লাস মিস করে যাও তাহলে তারা কিন্তু এই রেকর্ডিং অ্যান্ড PDF সমস্ত কিছু দেখতে পারবে, এবং সেগুলো 2025 সালে WBJEE পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি তোমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে। তাহলে যারা যারা ভাবছো যে 2025 সালে WBJEE পরীক্ষা একবারে ক্র্যাক করবে, তারা কিন্তু আমাদের যে এই ব্যাচটি সেটাতে অবশ্যই এনরোল করে নেওয়ার চেষ্টা করো। তুমি এই মুহূর্তে ক্লাস 12-এর স্টুডেন্ট হও বা তুমি ড্রপ নিচ্ছ, প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু এই ব্যাচটি খুব বেশি হেল্পফুল হতে চলেছে। আমাদের এই ব্যাচের যে ফিস সেটা হচ্ছে 3499, এটা ওয়ান টাইম ফিস। কিন্তু তোমরা যারা যারা এই ব্যাচে এনরোল করতে চাচ্ছ তাড়াতাড়ি করে নাও, কারণ এই ব্যাচের প্রথম 200 স্টুডেন্টের জন্য একটা অফার থাকছে, যে প্রথম 200 স্টুডেন্টের জন্য ব্যাচের প্রাইস থাকবে জাস্ট 2799, এবং এটাও ওয়ান টাইম ফিস, জাস্ট তোমাকে একবার ফিস পেমেন্ট করতে হবে, তারপর তুমি ব্যাচের অ্যাক্সেস করতে পারবে। আচ্ছা, ইয়াহ পে এক বাত বাতাও কি মেয়ে স্টুডেন্টস কো হমেশা বলতা রহতা হুম, মতলব তুমনে জো বাতায়া মে ওহি বলতা হুম কি আগার প্র্যাকটিস করনা হ্যায় তো ফির প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চন করো, কিউকি ও স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চন রহতা হ্যায়। তো তুমনে জব ইস স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চন প্র্যাকটিস কিয়া তো উসসে তুমকো জো বেনিফিট মিলা ও তো হাম লোগো দিখ রহা হ্যায় কি তুমারা 208 র‍্যাঙ্ক আ গিয়া। তো তুমনে জব এ সব কোয়েশ্চনস করকে গয়ে এক্সাম মে জাকে তুমকো কেসা ফিল হুয়া, কি তুম জো পড়কে গয়ে ওহি আয়া ইয়া ফির তুমকো পরেশানি হুই কোয়েশ্চন সলভ করনে কে লিয়ে? जो जो क्वेश्चन बन जा रहे थे तो ऐसा लगता था अरे ये क्वेश्चन तो मैंने वहां किया है, तो काफी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन फिर ऐसा भी कुछ कुछ काफी टफ हो जा रहे थे, तो उनमें भी कुछ कुछ ऐसा लगता था कि हाँ ये यहाँ देखा है लेकिन अभी नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। तो PYQ और नोट्स करने से सारे क्वेश्चन का मतलब ओपनिंग मिल जाता है कैसे होगा, लेकिन जरूरी नहीं हो ही जाए। और जो आप बोले ना कि आप लोग, मैं आपसे ही सुना था कि PYQ करने से हो जाएगा क्योंकि 2 हफ्ते थे मेरे पास, तो मैंने आपके स्ट्रेटेजीज देखे थे। ओके, मतलब मैंने जो चैनल पे हमारे मटेरियल्स डाले थे या फिर मैराथन हो रहा था या फिर मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह डाले थे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो सब तुमने देखे थे राइट? अच्छा अच्छा, ये अच्छा लगे कि मेरे स्ट्रेटेजीज तुम्हारे काम आए। अच्छा, एक और बात बताओ कि तुमने जैसे बताया कि WBJEE का मतलब मैं अगर PIQ करके जाता हूँ तो फिर मतलब वो रिपीट हो जाता है, मतलब तुमको एक स्टार्टिंग तो मिल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, तुमने जब PYQ किया होगा तब तुमने भी नोटिस किया होगा, अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स देखो फिजिक्स में, तो वहाँ पे स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी हर बार मतलब रिपीट होता रहता है, वही से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो तुम्हारे लिए PYQ सही रहा। अच्छा, अभी लास्ट में एक और चीज़ बताओ कि जब तुमने WBJEE देने के लिए गए, यहाँ पे तो 4 घंटे का एग्जाम रहता है ठीक है, तो वहाँ पे 4 घंटे के एग्जाम के लिए हमको 4 घंटा बैठना होता है, तो उस एग्जाम टाइम में तुमने एग्जाम डे को कैसे मतलब ट्रीट किया कि मुझे कैसे काम रहना है, कैसे एग्जाम डे को हैंडल करना है? एक्चुअली सर, मैं जिस सेंटर में गया था ना वहाँ मेरा एक फ्रेंड भी गया था, तो हम लोग पहले सेंटर में जाने से पहले काफी बात कर रहे थे, लाइटन अप हो गए थे, फिर हम लोग का रूम अलग हो गया था, तो फिर मैंने एग्जाम आराम से दिया था, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं था। हाँ, फर्स्ट वाले में थोड़ा पैनिक था कि कैसे होगा कैसा पेपर आएगा, लेकिन सेकंड में तो एकदम आराम से कि हाँ अब तो हो ही जाएगा। और बीच में काफी बीच में जो ब्रेक था उसमें मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, बस कुछ खा लिया था, फिर फ्रेंड से ही बात कर रहा था।
लाइक क्योंकि अब 2 घंटे में क्या ही पढ़ लेंगे। अभी अभी तो तुम्हारा रिजल्ट निकल चुका है, तुमने 208 रैंक भी ला चुके हो तुम, तो अभी तो तुमको अपना रैंक पता है, मार्क्स पता है, लेकिन जब कुछ नहीं निकला था लाइक फाइनल आंसर की, मॉडल आंसर की कुछ नहीं निकला था, तो तब तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? एग्जाम देने के बाद तो काफी इंस्टीट्यूट अपने आंसर की निकाल ही देते, तो मैं 2-3 बार हिम्मत करके देखने का ट्राई किया था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि लगातार 2-3 क्वेश्चंस में गलत दिख जा रहे थे, तो फिर मैं छोड़ देता था कि लाइक ये भी गया है रहा। लेकिन जब नॉर्मल आंसर किया है मॉडल आंसर की, तो मैंने देखा तो मेरे बन रहे थे 110 बन रहे थे, मतलब ठीक से काउंट मिस्टेक हुआ लेकिन 110 तक बन रहे थे। लाइक क्वेश्चन के आंसर की नहीं देखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस भी काफी ऊपर नीचे होते हैं उसमें, तो पैनिक हो जाता है काफी। कुछ मिस्टेक्स रह जाते हैं, तो मॉडल आंसर की या फिर फाइनल आंसर की सबसे ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे एक और बताओ अभय, कि तुम्हारा तो 115 मार्क्स आ चुका है, तो उसमें से तुमको किस में ज्यादा आया, फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में? फिजिक्स केमिस्ट्री में 57 बन रहा है और मैथ्स में मेरा 58 बन रहा है। ओके ओके, मतलब तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम ही है। अब भाई तुमको तो ये पता होगा कि WBJEE के जो कैटेगरी 3 वाले क्वेश्चंस रहते हैं उस मल्टीपल सिलेक्ट रहते हैं और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता, तो वो कैटेगरी 3 करने के लिए तुम्हारा स्ट्रेटजी क्या था एग्जाम में? सारे अटेंड किए थे क्या? जो क्वेश्चंस मेरे को लगता था श्योर शॉट है उसको तो मैं जितना था उतना कर लेता, लेकिन और तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझसे नहीं होगा, तो उसका मैं बेस्ट प्रोबेबल कोई एक मार्क कर देता था। ओके ओके, कोई भी एक ऑप्शन। क्या तुमको मेरे वीडियो से पता चला? वही स्ट्रेटजी अच्छा, है ना, सही है। अगर मुझे बढ़िया सही है, मैं एक कर देता हूँ, दोनों करूंगा तो प्रोबेबिलिटी होगा कि रॉन्ग हो जाए, एक करने से वैसे भी मेरा नंबर तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे बारे मतलब तुम्हारे इस पॉडकास्ट से मुझे बहुत कुछ पता चला, लाइक ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं उनको तो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जो लोग ड्रॉप लेते हैं ना, तो मतलब मैंने तुमको पहले भी जो बताया कि ड्रॉप जो लोग लेते हैं उनका एट लास्ट जाके उनका क्या होता है कि उनका पहले से भी ज्यादा बुरा रैंक आ जाता है, लेकिन तुमने बहुत इंप्रूव किया है, तो फिर इस मतलब इस सेशन को एंड करने से पहले मैं बस तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि मान लो जो लोग इस साल ड्रॉप लेंगे, सोच लो कि वो सिर्फ WBJEE के लिए ही ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा 3 काम जो उन लोगों को करना ही करना है, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताओ। दिसंबर से पहले जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीशन कर लेना है, मतलब फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन हो जाए और नोट्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाए, बाकी इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो, सिर्फ टाइम काफी मिलेगा प्रैक्टिस का, और मुझे जैसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा, जैसे इस साल भी काफी बढ़ गया था पिछले साल से, बहुत लोग थे कि ज्यादा नंबर पे पिछले साल से कम उनका परसेंटाइल बना या फिर रैंक बना, तो नेक्स्ट ईयर तो हमको लगता है और काफी बढ़ जाएगा, तो लाइक पहले जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीशन हो सके कर ले, फिर प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस का टाइम मिलता है, लाइक होता है सिलेबस के टाइम भी हम लोग सोचते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सिलेबस छूट जाता है, लेकिन पहले सिलेबस कर लेंगे फिर प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, रिविजन का भी टाइम मिलता है। जॉब में है थोड़ा मतलब कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स लोग कॉलेज में फन कर रहे होते हैं और हम लोग यहाँ चार दीवार में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा रहता है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ये तुमने बहुत सही बताया कि सबसे पहले सिलेबस खत्म कर लो, लाइक अगर हमारा दिसंबर जनवरी तक सिलेबस खत्म हो रहा है तो फिर 3 महीना रहेगा जिसमें हम रिविजन कर सकते हैं, PYQs लगा सकते हैं, मतलब जब सिलेबस कर रहे होंगे तब भी तो PYQ लगाएंगे ही, फिर बाद में रिविजन वगैरह प्रैक्टिस का टाइम मिल जाता है। तो फिर तुमने जो बताया मैं उसको जरा एक बार रिपीट कर देता हूँ या फिर थोड़ा मर्ज करके बता देता हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है, जितना जल्दी हो सके मतलब दिसंबर जनवरी तक सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट लगाओ, बस सही है? यस सर। ओके ओके ठीक है, तो फिर अभय थैंक यू सो मच हमको टाइम देने के लिए, तुम्हारे इस पॉडकास्ट से हम लोगों को बहुत कुछ पता चला, एंड आई होप कि तुमने जो टिप्स दिया वो तुम्हारे जूनियर्स को एंड अगर कुछ दोस्त लोग भी होंगे जो कि ड्रॉप ले रहे होंगे उनको उनके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बहुत। आई होप যে আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে এন্ড এখানে আমরা যে বিষয়গুলো ডিসকাস করলাম সেগুলো তোমাদেরকে হেল্প করবে তোমাদের প্রিপারেশনকে ভালো করতে। এরকম আরো ভিডিওস দেখার জন্য আমাদের চ্যানেল লেটস ইমপ্রুভ কে সাবস্ক্রাইব করে নিও এন্ড আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে সেটাকে লাইক করে দিও, বন্ধুদের সঙ্গে এন্ড ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।